हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर। जैसा कि हम लोग जो पिछला चैप्टर था वो विद्युत धारा था, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको दो अलग भागों में क्या किया, डिफाइंड इसलिए किया मैंने, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से प्रतिरोध भी समझ में आ जाए और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी क्या हो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो हम लोग आज देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, लेकिन आपको पिछली क्लास देखते रहिएगा, जिससे कि उससे आपका ये दोनों एक चैन से क्या हुए हैं, जुड़े हैं, ये एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। पिछली क्लासों को देखते हुए ये क्लास और आने वाली भी क्लास क्या करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से सभी क्लियर होते चले जाए। तो आज जो चैप्टर है दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो आज हम लोग उस पर पूर्ण रूप से क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का तापी प्रभाव। तो ये जो है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्या करिएगा, पूर्ण रूप से अध्ययन करिएगा। जैसे कि इसमें जो पॉइंट बनेगी दोस्तों, पहला बनेगा क्या, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों, बहुत ही सरल परिभाषा है। जैसा कि देखा जाए, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसकी परिभाषा बहुत ही नॉर्मल रूप से बनाई जा सकती है। जैसा कि इसको देखा जाए तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक चालक है, इस प्रकार मान लीजिए कि इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित की जा रही है, और प्रवाहित होने के बाद इसमें जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो खर्च हो रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सरल परिभाषा है, ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक सूत्र बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि W बराबर V इंटू Q, ये जो W है ये मेरा क्या है, ऊर्जा है, यानी कि विद्युत क्या है, ऊर्जा है, और मेरा यहीं पर जो V है ये क्या है, विभवांतर है, और ये क्या है, आवेश है दोस्तों, क्या है, आवेश है। इसी पर अभी एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ये तो मैं पिछले भी क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था। ये जूल का जो मतलब है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो कैपेसिटी है, जो ऊर्जा है, वो उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये एक पॉइंट क्या हुई मेरी, कंप्लीट हुई। इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, पूर्ण रूप से फाइन हो जाए, यानी क्लियर हो जाए, तो यहीं पर यदि हम लोग एक न्यूमेरिकल देखें, तो न्यूमेरिकल बहुत ही सरल है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यदि 100 वोल्ट विभवांतर वाले हैं, यदि 100 वोल्ट विभवांतर वाले यदि 100 वोल्ट विभवांतर वाले क्या यदि 100 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय होने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको देखिए। जैसा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यदि 100 वोल्ट विद्युत विभवांतर वाले 100 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय होने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ पर आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसा कि देखिए, W बराबर V इंटू क्यू। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे 100 वोल्ट का विभवांतर, V बराबर क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ 100 भी वोल्ट कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, 140 कर लीजिए, कुछ भी यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि ये V बराबर क्या है, वोल्ट है, और उसी के आगे जो दिया है विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश, यानी Q बराबर जो दिया है दोस्तों वो 12 कूलाम दिया है। कूलाम को C से डिनोट करेंगे, किससे, C से। तो हमको W का मान ज्ञात करना है, क्या W का मान, तो ये क्वेश्चन मार्क, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए W है, W रख दीजिए, V का मान क्या है, 100 दिया है, क्या 100 वोल्ट, इंटू क्यू का मान क्या दिया है दोस्तों, 12 कूलाम दिया है, क्या 12 कूलाम, तो यहाँ वी और कूलाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि इसका गुणा हो जाए, क्या हो जाएगा, 1200 ये वी इंटू सी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाए, क्या जूल में। अगर मान लीजिए कि कहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आवेश ज्ञात कीजिए, अर्थात क्यू ज्ञात कीजिए, कूलाम जो मान है यानी कि आवेश जो है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि जब ये इस प्रकार पूछे कि आवेश ज्ञात कीजिए, ये गुणे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो इसी प्रकार के नॉर्मल से सवाल है, ये सवाले भी नहीं पूछे जाते, यदि पूछे जाएंगे तो सभी ऑप्शन में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में, बहुकल्पी में पूछे जाएंगे, इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग और नई नई कुछ टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद आपके इसको हम इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि इसमें आपका विद्युत बल्ब आ जाएगा, यानी कि बल्ब आ जाएगा, और इसके आगे, बल्ब के आगे कुछ और पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए कि विद्युत स्त्री आ जाएगी, क्या विद्युत स्त्री, जिसको हम लोग प्रेस कहते हैं, और आ जाएगा विद्युत हीटर भी आएगा, और उसके बाद कुछ अन्य भी तथ्य होते हैं
चार विद्युत यानी कि इसके अंतर्गत जो उपकरण होंगे उनके अंतर्गत हम लोग चार उपकरणों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसके बाद उसका डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर अगली जो पॉइंट होगी दोस्तों, अगली जो पॉइंट होगी वो क्या है, बहुत सरल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है बहुत ही सरल है दोस्तों। कार होगा यदि दो बिंदुओं के बीच, क्या दो बिंदुओं के बीच, देखिए दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु हैं ए और बी मान लीजिए, क्या दो बिंदुओं के बीच ही, क्या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो, क्या एक वोल्ट यानी कि वन वोल्ट हो, इनके बीच का विभवांतर क्या है एक वोल्ट है, क्या एक वोल्ट है। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो इसका अर्थ वही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया है उसी को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग समझिए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक हो, एक वोल्ट हो, तथा इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको पढ़ा देंगे, इसलिए छोटी छोटी परिभाषा कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको रफ किया जाए। ये परिभाषा क्लियर हुई दोस्तों, तो इसको आप लोग लिखते चलिए। सभी चीज़ें यदि बोर्ड में लिखवाने लगेंगे सही नहीं रहेगा, किसलिए टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो, लेकिन यहीं पर यदि और हम लोग इसी पर पूर्ण रूप से डिस्कस करें दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं। क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि W बराबर इसका मान लीजिए फार्मूला होता है, क्या W बराबर इसका फार्मूला होता है ई वी, क्या W बराबर ई वी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ ई बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होगा, क्या −19 कूलाम हो जाएगा। तो यहीं पर जब हम लोग वी जो है ये दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है कितना वोल्ट है दोस्तों, एक वोल्ट है, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है कितना है एक वोल्ट है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे एक वोल्ट रख दिए। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर जब इस प्रकार प्रश्न पूछे दोस्तों तो हमेशा इस रूप में हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा W बराबर E बराबर एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो होगा दोस्तों तो सभी मान हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। यदि W बराबर ये रखें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E का मान क्या दिया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम इंटू वी का मान क्या दिया एक वोल्ट, क्या एक वोल्ट। अब देखिए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा जूल। तो इन मात्रकों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन क्लास 11th में अध्ययन किए हैं, तो आप लोग मात्रक थोड़ा देख लीजिए जिससे कि वो क्या हो जाए क्लियर हो जाए। इतनी बात क्लियर।
ये रही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये परिभाषा जो है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही अधिक पूछी जाती है बोर्ड में, एक नंबरी में, दो नंबरी में पूछी जाती है। दो नंबरी में ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, एक नंबरी में सिर्फ हमको परिभाषा यानी थ्योरी लिखना है। दोस्तों इसको रफ किया जाए, तो इसके बाद आपका आएगा जैसा कि जो चैप्टर है क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसको हम लोग क्या परिभाषित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कदार आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की परिभाषा क्या होगी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखिए इसको देख लीजिए, इसी के अंतर्गत जितने भी प्रोसेस होंगे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इसी के अंतर्गत करवाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से और यूनिक तरीके से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है दोस्तों। तो ये इसका जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं यदि किसी चालक में, क्या मान लीजिए कोई चालक है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप में वृद्धि होने की दर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहेंगे। क्लियर हो रहा बात? तो ये फिर समझिए एक बार, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के ताप में या चालक के ताप में वृद्धि हो, चालक के ताप में वृद्धि हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापी प्रभाव। या इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के ताप में वृद्धि होने की दर को विद्युत धारा का तापी प्रभाव हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो अब जैसा कि आपसे पूछ ये लिया जाए, विद्युत धारा का तापी प्रभाव के अंतर्गत, क्या विद्युत धारा का तापी प्रभाव के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट कड़ियाँ होती है, जैसे मान लो कि आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा ये किसके अंतर्गत आएगा, विद्युत धारा का तापी प्रभाव के अंतर्गत आएगा, तो ये सब आपको क्या करना है, याद करना है दोस्तों। तो ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब इसके आगे चलते हैं कुछ नए बिंदुओं पर, कुछ नए तथ्यों पर डिस्कस करने। लेकिन ये जो तथ्य हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे चाहे जब भी ये कड़ी पूछी जाएगी तो लगभग ये 6th नंबर या 7th नंबर में पूछा जाएगा, 6th नंबर या 7th नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि देख रफ कर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं छोटी सी, जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा के तापी प्रभाव, तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहारिक अनुप्रयोग। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने विद्युत धारा और विद्युत धारा का तापी प्रभाव को अलग कर दिया। NCERT में आपके एक में ही दिया है, मैं यहाँ अलग करके समझा रहा हूँ जिससे कि आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। आप देखे होंगे कि ये जो NCERT का जो अभ्यास न्यूमेरिकल था उसमें से मैं कुछ ही न्यूमेरिकल करवाया, जब ये हो जाएगा तो उसको भी करवा दिया जाएगा जिससे क्या हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। NCERT में एक ही चैप्टर दिया है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों तो इसके अंतर्गत चार बिंदु होते हैं, कितने चार बिंदु, पहला बिंदु यदि देखा जाए, क्या पहला बिंदु देखा जाए, पहला बिंदु आपका आएगा विद्युत बल्ब, क्या विद्युत बल्ब,
दूसरा आ जाएगा दोस्तों, जो दूसरा आएगा उसको हम लोग विद्युत स्त्री बोलते हैं। क्या? विद्युत स्त्री, विद्युत स्त्री, विद्युत स्त्री को हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेस भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं विद्युत उष्मक, विद्युत क्या, विद्युत उष्मक, उष्मक अथवा हीटर हम लोग लिख सकते हैं। क्या? अथवा हीटर। क्या? हीटर। और चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज। ये जो चार बिंदु है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो विद्युत बल्ब है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्या? IMP लगा लीजिए। दूसरा जो विद्युत स्त्री, ये बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर। इसमें दो कड़ी ऐसी है जो अधिकतर पूछे जाते हैं, पहला है विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत उष्मक या हीटर। यही दो पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी दो पॉइंटों पर हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग फिलहाल देख लीजिएगा, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करिएगा, तो उसके मैं इसको क्या करूँगा, करवा दूँगा। आपको नहीं समझ में आएगा तब आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन ये आप लोग इम्पॉर्टेंट ये दोनों मान कर चलिए, क्योंकि ये अधिकतर पूछे गए हैं, सभी 6 नंबर या 7 नंबर में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो पिछले, अभी मान लीजिए कि जो 2020 में पेपर हुआ है हाई स्कूल का, उसमें आपका विद्युत बल्ब नहीं पूछा गया, लेकिन हीटर पूछ लिया गया। और कहीं कहीं जो सेट पेपर होता है, जैसे कि ZY हो गया, XY हो गया, तो वहाँ पर एक सेट ऐसा था, सेट का फ़िलहाल नाम याद नहीं है कौन सा सेट था, यक्स था, वाई यक्स था कि यक्स वाई था, उसमें एक ये पूछ लिया गया था फ्यूज। तो फिलहाल ये आप लोग पढ़िएगा, नहीं क्लियर होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको समझाऊँगा आपको। लेकिन विशेष रूप से हम लोग इस पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों, जैसे कि एक जो पॉइंट है, जैसे विद्युत बल्ब, ये एक पॉइंट एक ही क्लास में समाप्त होगी। ये सोचिए कि दोनों चीज़ों को, दोनों बिंदुओं पर, दोनों तथ्यों पर हम लोग क्या करें, डिस्कस कर लें, तो ये क्या है, समस्या हो जाएगी आपको समझने में, और मुझे भी समस्या हो जाएगी क्या, एडजस्ट करने में। तो फिलहाल क्या करिए आप लोग, एक ही एक 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 पॉइंट क्या करिए, एक एक पॉइंट का अध्ययन करिए। तो जैसा कि ये जो है प्रोसेस, मैं कुछ बताया आप पर, आपको बताया मैं, जैसा कि मैं ये कुछ प्रोसेस आपको क्या किया बताया, अब इसके आगे आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत बल्ब देखेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।